नमस्कार दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है एंड बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ आपके सामने इस चैनल में एक बहुत ही लंबी बकैती लेके कर बकैती क्यों क्योंकि भाई मुझसे बड़े गुनी जन सेलिब्रिटी लोग बैठे पड़े हैं ना मुंबई में जैसे हिमेश रेशमिया जी उन्होंने अपनी एक फिल्म निकाल दी या निकालने वाले है जिसका नाम है बैडस रवि कुमार तो वो देख के मेरा दिमाग घूम गया देख के मेरा दिमाग घूम गया ये बंदा अलग ही दुनिया में रहता है और जो भी मैं बातें करूंगा आज इसके ऊपर इसकी आने वाली फिल्म बैडस रवि कुमार के ऊपर ही करूंगा तो आपके पास अगर वक्त है मुझे सुनने का तो बैठो और सुनो सो द थिंग इज ये आदमी अलग ही दुनिया में घूम रहे अलग ही दुनिया में ये मुंबई में तो है बैठा तो वहीं पर ही है लेकिन इसका दिमाग कहीं और है कहीं और है मे बी सेवेंटीज़ में जब अमिताभ बच्चन जी का दौर था जो रुतवा था अभी भी है या फिर राजेश खन्ना साहब का जो रुतवा था ये बंदा अपने आप को उसी लेवल में मानता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा किशोर दाह ये सोचता है कि भाई मैं किशोर का मैं क्या करता अवतार हूँ ठीक है पुनर्जन्म तो नहीं कह सकते है, क्योंकि जब किशोर जीवित थे तो ये भी जिंदा ही था अवतार ही मानता ही अपने आप को तो कि भाई किशोर अगर कर सकते हैं कि गा रहे हैं एक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं और चल भी रहे हैं ठीक है ठीके? और मैं तो भाई किशोरदा का भक्त हूँ टेक्निकली मेरा दूसरा मोबाइल इसे साइलेंट कर देता हूँ ये भोगता है बीच में हाँ ठीक है ये बंदा अपने आप को यही समझता है और ये कब से लगा पड़ा है एक ज़माना था तब मैं स्कूल में हुआ करता था मे बी एलेवेंथ या ट्वेल्थ में ये उल्टे फुलते नाक से अपने गाने निकाला करता था कुछ गाने ठीक होते थे लेकिन मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स नाइन्टी परसेंट सॉन्ग्स इसके इसके कचड़ा ही होते थे मतलब मुझे समझ आता था लेकिन दुनिया को समझ नहीं आता था तो मैं बातें करता था बोलता था भाई क्या सुन रहे हो यार किसे सुन रहे हो लेकिन लोगों को समझ नहीं आता था लोग आज भी नहीं समझते वो तब भी मेरी बजाते थे तब भी मेरी मारते थे लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का टेस्ट फिर थोड़ा सा अपग्रेड हुआ लोगों ने उससे फिर उब गए बोर हो गए क्या हो गया पता नहीं लेकिन बंदा अपने हाइप से डाउन आ गया ठीक है अब लोगों ने यार पहले कुछ और बकवास सुनते थे अब कुछ और बकवास सुन रहे हैं अब मैंने बोलना छोड़ दिया है कि भाई तुम्हें तो जो कचरा सुनना है सुनो हम भाई स्पॉटीफाई पे जाएंगे जियो सेवन जाएंगे यूट्यूब <coughs> म्यूजिक पे जाएंगे और अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे भले ही इंडियन हो या भले ही वेस्टर्न हो फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो आजकल मैं थोड़ा सा सॉफ्ट रॉक सुन रहा हूँ जस्ट लाइक द सॉन्ग हेलो नाट अदैल वाला हेलो ये सॉन्ग आया था लियोनेन रिची का जो सॉन्ग है हेलो 1979 में आया था इस तरह के सॉन्ग मैं सुन रहा है ना आई एम टोटली लाइकिंग इट बट या लोगों की किस्मत में होता नहीं है उनके मन में इच्छा नहीं होती है कि हम गानों को खोजें या ढूंढें उनके मुंह पे जो भी उठा के दे दिया जाए uh, वो वही सुनते हैं भले इंस्टाग्राम के थ्रू हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू हो या जो भी वगैरह एड्स के थ्रू हो वो मेहनत नहीं करते तो ठीक है भाई नहीं करते तो जैसे गाने तुम्हारे ऊपर फेंके जाएंगे तो वही सुनो उसी के तरह तरफ फिर सुन के खुश रहो ठीक है तो मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट गया था भटक गया था मेन टॉपिक पे आते हैं भाई टॉपिक का मुद्दा आज हमारा हिमेश अशिमिया भाई ठीक है ये आज जब मैं स्कूल में था ना एलेवेंथ ट्वेल्थ इस आदमी का जो रुतबा या स्टार्डम सॉन्ग को लेके म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना पीक पे था ना इतना पीक पे ये जो गा दे जो बना दे वो हिट 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 पे हिट हिट पे हिट हिट पे हिट मुझे समझ नहीं आता था तो मैं तो सोचता यार क्या चल रहा है इसके कुछ गाने इसने अच्छे बनाए इवन मैं आज तक भी सुनता हूँ जैसे कि कौन सा मूवी है आफरीन तेरा चेहरा फ्रॉम द मूवी रेड बहुत अच्छा सॉन्ग है मैं आज भी सुनता हूँ आ, आ, कोशिश करता हूँ कि मुझे परफॉर्म करने को ही मिल जाए मतलब बहुत अमेजिंग सॉन्ग है वो एंड हिमेश मैंने मेरे ख्याल से गाया बना, बनाया है। अमेजिंग सॉन्ग <coughs> और भी कई सारे सॉन्ग हैं जैसे कि दिल की सुर्ख दीवारों में नाम है तेरा तेरा वो भी अच्छा सॉन्ग है ठीक है uh, एक एक आध और गाना है हाँ समझो ना समझो ना।, ना में वो गिटार बजाता है uh, एंड मतलब ऐसे ही उल्टे उल्टे हाथ चलाता है पर उसको देख के ना मेरे अंदर का जो गिटार बजाने का कीड़ा था उसको देख के मतलब एक रीज़न वो था और भी कई सारे सॉन्ग्स थे आर्टिस्ट थे जिनको देख के मुझे फील आई थी बट वो एक था देखो पीछे देखो गिटार पड़ा हुआ है मेरे ठीक है स्टिल प्ले दिट यहाँ पे दो पड़ा है यहाँ पे क्या पड़ा है एक मतलब बहुत सारे गिटार है मेरे पास तो आ, का थोड़ा बहुत हाथ है ऑफ सॉल्ट जितना ठीक है लेकिन बाकी ये फालतू गानी बनाता था हमेशा से मेरे नज़र में तो यही था इसकी आवाज़ मुझे कुछ खास पसंद नहीं थी अच्छा जी उसके बाद भाई फिर ये फिल्मों में घुस गया लोग भाई पागल हो गए ओह भाई साहब मतलब इतना स्टार्डम कि लोग मतलब पागल हो गए कि भाई ये फिल्म में आ रहा है हीरो बन के वगैरह वगैरह लोग वेट कर रहे हैं महीनों से कब आएगी की फिल्म ओए ओ हो बातें हो रही डिस्कशन हो रही है तब तो इंटरनेट पे तो हम इतने थे नहीं ना मोबाइल फोन वगैरह भाई यही था चैट वैट डिस्कशन बकैती करना ठीक है और भाई उसके बाद ये फिल्मों में ज़्यादा सीरियस हो गया एंड इसने अपनी जो बजाई जो पिटवाई जो मतलब ठप्प से डाउन गिरा ठप्प से अब बीच में थोड़ा सा गायब हो गया था या ठंडा हो गया था वट एवर ये फिर से आया है अपनी फिल्म लेके जिसका नाम है बैड एस रवि कुमार ठीक है उस पता नहीं क्या है ये बंदा जहां बड़े बड़े सुपरस्टार जिनकी फट गई है कि भाई फिल्में रिलीज नहीं करते हैं या फिर ओ टी टी पर रिलीज करते हैं या थोड़ा खिसका देते हैं ठीक है बहुत बुरा टाइम चल रहा है ये बावला ये बावला फिल्म लेकर आ गया और कैसी फिल्म ये इसका ट्रेलर इसका ट्रेलर क्या कर रहा है ये बस आता है बकवास करता है डायलॉग मारता है एंड बस मार रहा है मार रहा है मार रहा है या तो लोगों को मार रहा है या स्टाइल मार रहा है गुंडों को मार रहा है स्टाइल मार रहा है बकवास कर रहा है और बीच में गाना आ गया बटरफ्लाई तित इतना रद्दड़ गाना थर्ड क्लास आजकल म्यूजिक इंडस्ट्री की इतनी खराब हालत है इतनी खराब हालत है ले दे के एक हिंदी सॉन्ग जो कि ब्रह्मास्त्र का कौन सा सॉन्ग है वो आ, केसरिया ठीक है जी केसरिया इतना मतलब ये सॉन्ग भी आ, इतना मतलब बेसिक लेवल का यार कुछ इसमें कुछ खास कुछ नहीं है ठीक है लेकिन लोग इतने भूखे हैं ना अच्छे म्यूजिक के लिए कि एक अच्छा गाना आए मार्केट में या एक, एक अच्छा सिंगर जिसकी आवाज थोड़ी सी हो यार अच्छी भारी भरकम लगे इतने भूखे अच्छे म्यूजिक कि भाई ये सॉन्ग भी उन्होंने मतलब पागल हो गया ओए ओहे मजा आ गया मजा आ गया क्योंकि मिल नहीं रहा ना भूखे भूखेगा तो मतलब एक दिन पुरानी दाल रोटी भी चल जाएगी इतना बुरा हाल है उस टाइम भी ऐसा गाना लेकर आ रहा है इसकी फील सुनने में बिल्कुल वैसी लग रही है जुम्मे की रात सलमान खान वाली किक वैसी बीट है वैसी स्टाइल मार रहा है यार मतलब देखो तुम्हारा स्टार्डम अभी तो फिलहाल डाउन पे जा रखा है बॉलीवुड वालों का डाउन पे जा रखा है ठीक है हमने इन लोगों का जूतों के नीचे दबा के रखा है इन इनकी कोई औकात नहीं है और ऐसे टाइम में अगर तुम स्टाइल मारोगे तो लोग तुमको के सर्वे लेके चढ़ के मतलब घूमेंगे तुम्हें क्या लगता है ये टाइम स्टाइल मारने का तो था ही नहीं ये टाइम था कंटेंट बनाने का ठीक है अच्छा कंटेंट स्टाइल मारने के लिए स्टाइल मारोगे क्या लगा यार तुम्हारी तुम यार मतलब औकात से ज़्यादा फुदक रहे हो हम वैसे ही फिर रिपेल हो जाएंगे दूर हो जाएंगे ठीक है अच्छे गाने बनाओ तुमको अब कोई सुनना नहीं चाहता तो यार कंपोज कर लो चलो यार कोई अच्छा सिंगर ले लो ठीक है एंड देख लो भाई कितना बड़ा वैक्यूम आर्क है कितना अच्छा मौका है तुम्हारे पास तुम तो म्यूज़िक में दोबारा से एज अ म्यूज़िक डायरेक्शन में कर सको नहीं भाई पर इतना कीड़ा होता है ना पिछवाड़े में चूतड़ों का कीड़ा कि भाई फिल्म निकालनी है अच्छा जी चलो भाई एक्ट कर लेते हैं ठीक है पता नहीं क्या क्या सुनने में आ रहा है कि डायरेक्ट भी यही कर रहा है प्रोड्यूस भी यही कर रहा है गा भी यही रहा है नाच भी यही रहा है एंड फिर उसको गाने को डायरेक्शन भी यही कर रहा है आई डोंट नो भाई आई डोंट नो ये देख के तो और मजाक बन रहा है तुम्हारा ठीक है ना कीड़ा यार है तो यार कीड़े को कंट्रोल करना होता है ना ठीक है भाई तुम्हारे पास थोड़े से पैसे आ गए अब जड़ी थी ना उस पैसे को जला दोगे इसे जलाना नहीं कहते उसे कीड़े का मरम्मत नहीं करते ना मतलब कीड़े की जो खुजली है उसे वो नहीं मिटाते वो नहीं मिटाते क्या फ़ायदा अभी देखो फिल्म रिलीज होने वाली है देख लो भाई तुम्हें रिव्यूज़ तो मिल ही रहे होंगे स्वाद ले लो ले लो स्वाद ठीक है हम क्या करें हम ज़्यादा से आना नहीं जाएंगे और क्या करेंगे अरे फिल्म आ, फिल्म नहीं फिल्म तो बनाने की बस की बात नहीं है अपनी वीडियो बना देंगे और डाल देंगे यूट्यूब पे हम भी हंस रहे हैं वीडियो को जो देखेगा वो भी हंसेगा तुम भाई देखना लग गए पैसे तुम्हारे करोड़ों ठीक है इससे अच्छा यार अच्छा कंटेंट निकालते या कहीं सही जगह पर इन्वेस्ट करते देखो पैसे इन्वेस्ट करना और ग्रो करना वो इंपॉर्टेंट बात होती है ना कि खुजली मिटाना है ना अब तुमने गलती तो कर दी गलती तो वैसे आदि पुरुष ने भी कर दी अब पता नहीं कह रहे कि यार उसे रीशूट करेंगे पचास करोड़ और लगाएंगे पता नहीं क्या करेंगे गधे ठीक है क्या बना के बैठ गए भाई साहब लंका लगने वाली है स्वाद ले लो एंड तुम भी कूद पड़े ये सब सही टाइम नहीं था ना मूवी लॉन्च करने का छपड़ी बना दिखा रखा है पूरा यार छपड़ी बना कौन यार ऐसे जीन्स पहन के जीन्स में फिर ऐसे के एक मतलब चेन लगा के यार वो ज़माना गया यार वो जमाना गया भाई वो स्टार्टम हीरोजम या फिर क्या कहते हैं यार आ, हीरो वर्शिप जो होती है कि लोग पागल है ठीक है लोग तो पागल तो शाहरुख खान के लिए भी नहीं है लेकिन देखने थोड़ी ना जाता है कोई यार अपने पैसे जलाने थो ना जाता है ठीक है मिल गया बंदा ऑटोग्राफी ले हाँ भाई ठीक है पसंद है यार ठीक है यार सुपरस्टार है ठीक है वट एवर बट फिल्म देखने यार नहीं जाते भाई हम लोग हमारे पास दस काम है ठीक है और बहुत सारी फिल्में देखने के लिए वे डोंट केयर तो भैया तुमको तो ऑल द बेस्ट जयराम जी की अब भाई लेके बैठे रहो क्या बोले अब मजाक ही बनेगा इस वीडियो में बस इतना ही देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने 12 मिनट तक मेरा साथ दिया मुझे सुनने के लिए ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी थैंक यू वेरी मच कोई कॉमेंट वमेंट करना है कर दो यार Uh, कुछ लिख दो यार प्यार कर दो गाली कर दो दुश्मनी कर दो जेड लिख दो क खा का लिख दो वीडियो को लाइक ज़रूर करना सब्सक्राइब करना तो कर सकते हो थैंक यू बाय बाय मिलते हैं